Hello students, today we are going to read the chapter Salumarda Thimakka from Unit 1, a lesson of Class 9. Aaj hum Class 9 ke Unit 1 ka reading si Salumarda Thimakka part padhenge. This is very interesting story of an illiterate woman, Salumarda Thimakka, and her undying passion becomes a source of inspiration for all. इस पाठ में सालूमरदा थिमक्का और उनके उत्साहपूर्ण जुनून के बारे में पढ़ेंगे जो सबके लिए प्रेरणा बनके उभरी हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन सालूमरदा थिमक्का लेट अस नो अबाउट हर। पाठ शुरू करने से पहले सालूमरदा थिमक्का के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्क्रीन में जो महिला दिख रही हैं, इनका नाम सालूमरदा थिमक्का है। She is an Indian environmentalist who was awarded Padma Shri for planting thousands of trees. Thimakka एक भारतीय पर्यावरणविद हैं। इनके अथक प्रयासों से हजारों पेड़ लगाए गए, जिसके कारण उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। She is also known as Alada Marda Thimakka. इन्हें अलादा मर्दा थिमक्का के नाम से भी जाना जाता है। She lives in Karnataka. आप कर्नाटका में रहती हैं। सालूमरदा इज अ कन्नड़ वर्ड विच मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज। सालूमरदा एक कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ पेड़ों की कतार है। शी इज नोन फॉर हर वर्क ऑन प्लांटेशन एंड कल्टीवेशन ऑफ 284 बानियान ट्रीज अलोंग 4 किलोमीटर्स ऑफ हुलिकल कुदूर मोटरवे। यह नाम उन्हें पेड़ लगाने के लिए मिला जो कि उन्होंने हुलिकल कुदूर हाईवे के किनारे 4 किलोमीटर दूरी तक अपने पति के साथ मिलकर लगाया था। शी प्लांटेड ऑलमोस्ट 8,000 अदर ट्रीज। उन्होंने लगभग 8,000 पेड़ लगाए हैं। ओके, ये तो हुआ उनके बारे में एक छोटी सी पहचान। अब हम ये लेसन स्टार्ट करते हैं। सालूमरदा थिमक्का। सालूमरदा थिमक्का एन एनवायरमेंटलिस्ट इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सनैलिटीज ऑफ कर्नाटका। सालूमरदा थिमक्का एक पर्यावरण विद हैं जो कर्नाटका की सुप्रसिद्ध शख्सियत हैं। शी हैज अर्न रिकॉग्निशन ड्यू टू हर अनटायरिंग एफर्ट्स इन प्लांटिंग एंड टेंडिंग टू 284 बानियान ट्रीज along the highway covering a distance of 4 kilometers. उन्होंने अपनी पहचान अपने अथक प्रयासों से पौधों को लगाना और उनकी देखभाल करने में बनाई है, जिसके 284 बरगद के पेड़ को हाईवे के किनारे 4 किलोमीटर तक की दूरी में उन्होंने लगाया है। Her persistent work has earned several नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स। उनके स्थिर कार्यों ने उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों को दिलाया है। यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग में अलग से बता रही हूँ। इस पैराग्राफ में जो वर्ड है रिकॉग्निशन, RECOGNITION, रिकॉग्निशन मीन्स पहचान। अनटायरिंग एफर्ट्स, UNTIRING, untiring efforts, efforts means प्रयास, untiring means अथक, बिना थके जो प्रयास उन्होंने किया, okay, untiring efforts. Her persistent work, last line में जो word है persistent work, persistent means लंबे समय तक, या फिर यहाँ बोल सकते हैं स्थिर कार्य। परसिस्टेंट वर्क मीन्स उनके जो स्थिर कार्य है उसके कारण उन्होंने अर्न मीन्स कमाया, उन्हें मिला कई नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय अवार्ड्स उन्हें मिले हैं। शी हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस नेशनल सिटीजंस अवार्ड of India for her selfless works in the field of environment. उन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य के लिए भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Prestigious means गौरवशाली, and selfless, SELF
selfless, selfless means niswarth. She also has a US environmental organization called Themakka's Resource for Environmental Education named after her. यूनाइटेड स्टेट पर्यावरण संगठन में पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का का संसाधन उनके नाम पर ही रखा गया। यहाँ आप दो फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं। फर्स्ट जो फोटो है, पहले फोटो में उन्हें जो नेशनल सिटीजन अवार्ड मिला था 1995 में, उसका फोटो है। और सेकेंड फोटोग्राफ में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं उनके द्वारा, श्री रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सालूमरदा थिमक्का जी को सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री अवार्ड से। क्लियर। सालूमरदा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री। सालूमरदा थिमक्का का संक्षिप्त इतिहास। सालूमरदा थिमक्का वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम्ड होलिकल दैट फॉल्स अंडर द मगड़ी ताल्लुक ऑफ बेंगलोर रूरल डिस्ट्रिक्ट। सालूमरदा थिमक्का का जन्म होलिकल नामक गांव में हुआ था, जो बेंगलोर के ग्रामीण जिले के मगड़ी तहसील में आता है। हियर रूरल, आर यू आर ए एल, रूरल मीन्स ग्रामीण, डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला। शी वॉज नोन एज थिमक्का देन, उस समय उनका नाम थिमक्का था, वो थिमक्का नाम से जानी जाती थी। She did not go to school or get any formal education. उन्होंने कभी भी औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की, वह कभी स्कूल नहीं गई और ना ही कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण की थी। Formal education means औपचारिक शिक्षा। From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. शुरू से ही, बचपन से ही वह श्रमिक की भांति अपने घर के पास एक खान में काम करती थी। क्वारी मीन्स खदान, खान जो होता है ना, खदान, उसे क्वारी बोला जाता है, क्यू यू ए डबल आर वाई, क्वारी मीन्स खदान। शी वॉज मैरिड ऑफ टू चिक्कई, अ कैटल हर्डर। उनकी शादी चिक्कई, एक चरवाहे के साथ हुई, चिक्कई नाम के एक चरवाहे के साथ। कैटल मतलब पशु, हर्डर मतलब, हर्डर मतलब चरवाहा, जो पशु चराने वाले होते हैं उसको कैटल हर्डर बोला जाता है। उनके हस्बैंड का नाम चिक्कई था। द कपल वॉन्टेड चिल्ड्रन बट वर अनेबल टू गेट एनी इवन आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ देयर मैरिड लाइफ। ये जो दंपत्ति हैं, इनको एक बच्चा चाहिए था, लेकिन शादी के 25 वर्षों के बाद भी उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ था। One day the husband-wife duo decided to plant trees to overcome the sadness and empty feelings of their lives. एक दिन पति-पत्नी दोनों ने यह निर्णय किया कि वे पौधों को लगाएंगे और अपने दुखों और अपने जीवन के खालीपन के एहसासों से उबर जाएंगे। Here, duo, D-U-O, duo means दोनों, decided, D-E-C-I-D-E-D, decided means निर्णय लेना, overcome, O-V-E-R-C-O-M-E, overcome means उबरना, sadness, S-A-D-N-E-S-S, sadness means दुख, empty, E-M-P-T-Y, empty means खालीपन। Clear? That was around 50 years ago. यह लगभग 50 वर्ष पहले की बात है। From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission. यह, यहां से प्यार और निस्वार्थ सेवा की यात्रा एक सामान्य दंपत्ति द्वारा एक असामान्य लक्ष्य की ओर शुरू हुई। Here, ordinary, O-R-D-I-N-A-R-Y, ordinary means सामान्य, and extraordinary, E-X-T-R-A-O-R-D-I-N-A-R-Y, extraordinary means असामान्य। Mission, mission means M-I-S-S-I-O-N, mission means लक्ष्य।
a mission to raise as many trees as possible with love and care and as their own children. एक लक्ष्य जिसमें बहुत सारे पेड़ों को प्यार और देखभाल के साथ लगाना, जैसे कि वे उनके ही बच्चे हों. ओन मतलब स्वयं, ओ डब्ल्यू एन, ओन मीन्स स्वयं. मिशन, एम आई एस एस आई ओन, मिशन मीन्स लक्ष्य. हर जर्नी टू बिकम सालुमरदा थिमक्का, सालुमरदा थिमक्का बनने की उनकी यात्रा. थिमक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सेलेक्टेड द रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुदूर टू फुलफिल देयर प्लान्स. थिमक्का और उनके पति ने अपनी योजना को पूरा करने के लिए अगले गांव कुदूर के सड़क के किनारे पेड़ों को लगाने का निर्णय किया. जो रोड साइड है, आर ओ ए डी, रोड साइड, एस आई डी, रोड साइड मीन सड़क के किनारे. कौन सा सड़क का किनारा उन्होंने सेलेक्ट किया, चुनाव किया? विलेज कुदूर. जो कुदूर गांव है वहां जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते को उन्होंने सेलेक्ट किया. दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रेवलर्स ऑन द ड्राई हॉट डेज. ये जो पर्टिकुलर रोड है, ये जो विशेष सड़क है, पर्टिकुलर मीन्स खास, विशेष, ऐसा सड़क था जहां पर एक भी पेड़ नहीं था. नॉट अ सिंगल ट्री मतलब एक भी पेड़ वहां पर नहीं था, और यात्रियों को गर्मी के दिनों में बहुत परेशानी होती थी. इमेंस हार्डशिप, इमेंस मतलब बहुत ज्यादा, आई एम एम ई एन एस ई, इमेंस मीन्स बहुत ज्यादा कठिनाई होती थी. हार्डशिप किनको होती थी? ट्रेवलर्स, टी आर ए वी ई एल ई आर एस, ट्रेवलर्स मीन्स यात्रियों को. ड्राई हॉट डेज गर्मी के दिनों में बहुत परेशानी होती थी क्योंकि वहां पर एक भी पेड़ नहीं था. यहाँ पर आप नीचे फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं, लाइन से जो बरगद के पेड़ लगे हुए हैं, ये थिमक्का और उनके पति ने मिलकर लगाया था. तो इस पेड़ों के कतार के कारण ही थिमक्का का नाम सालुमरदा थिमक्का पड़ा. सालुमरदा मीन्स, मैंने पहले ही बताया था, पेड़ों की कतार. They started grafting saplings from ficus or banyan trees as there were plenty of ficus trees near her village. उन्होंने बरगद के पौधों का कलम लगाना शुरू किया क्योंकि उनके गांव में बहुत सारे बरगद के पेड़ थे. Here grafting, G R A F T I N G, grafting means कलम. Saplings, S A P L I N G S, saplings means जो नन्हे पौधे होते हैं ना, उन्हें saplings बोला जाता है. Ficus, F I C U S, ficus, और banyan, B A N Y N, banyan means बरगद. बरगद को इंग्लिश में ficus या फिर banyan दोनों बोला जाता है. क्लियर? दे ग्राफ्टेड, उन्होंने ग्राफ्टिंग किया, कलम लगाया. दे ग्राफ्टेड 10 saplings इन द फर्स्ट ईयर. पहले साल उन्होंने कितने सैपलिंग्स लगाए, कितने पौधों का कलम लगाया? 10. 10 पौधों के कलम पहले वर्ष उन्होंने लगाया. एंड प्लांटेड देम अलोंग अ स्ट्रेच ऑफ 4 किलोमीटर्स ऑन द रोड दैट लेड टू कुदूर. और उन्होंने कुदूर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे 4 किलोमीटर तक के फैलाव में पौधों को लगाया. दे इंक्रीज द नंबर to 15 in the next year. Next year means अगले साल. Second जो year है, second year में उन्होंने अगले साल 15 पौधों को लगाया. Okay? दूसरे वर्ष उन्होंने यह संख्या बढ़ाकर 15 पौधों को लगाया. They continued with their efforts. अब वे अपने प्रयास में आगे बढ़ते गए. एफर्ट्स मीन्स प्रयास. एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ सैपलिंग्स विद ईच पासिंग ईयर. और ईच पासिंग ईयर मीन्स प्रतिवर्ष,
पौधारोपण की जो संख्या है वो बढ़ाते गए, जैसे जैसे ईयर्स पास होते गए, जैसे जैसे साल बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, उन लोग हर साल साल दर साल उन्होंने जो पौधारोपण की जो संख्या है वो बढ़ाते चले गए। यहाँ नीचे एक और फोटोग्राफ है जिसमें आप देख सक रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने पौधे जो लगाते थे उन्होंने और उनकी देखभाल भी करते थे वे लोग। ओके, दे नॉट ओनली प्लांटेड द सैपलिंग्स बट ऑल्सो टेंडेड टू द यंग सैपलिंग्स। उन्होंने न केवल पौधारोपण किया बल्कि उन छोटे पौधों का देखभाल करना भी शुरू कर दिया। प्लांटेड द सैपलिंग्स मीन्स पौधारोपण करना, T-E-N-D-E, tended means देखभाल करना। Each morning they started from their home with four pots filled with water। प्रतिदिन सुबह वे चार पात्रों में पानी भरकर अपने घर से निकलते थे। And watered the saplings, और पौधों में पानी देते थे। Watered the saplings means पौधों में पानी देना। When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and return home doing the same thing. जब घड़े जो हैं वो खाली हो जाते थे, बर्तन जब खाली हो जाते थे तो वो नजदीक के तालाब और कुओं से पानी लाते थे। यहाँ पे emptied out, E-M-P-T-I-E-D, emptied out means खाली हो जाना, बर्तन खाली हो जाते थे, pots जब वो खाली हो जाते थे तो उनको वो refilled करते थे, R-E-F-I-L-L-E-D, refilled मतलब पुनः भरना, दोबारा भरते थे। कहाँ से भरते थे? From nearby ponds and wells, pond means P-O-N-D, pond means तालाब, और well, W-E-L-L means कुआ, एंड कंटिन्यूड वॉटरिंग द सैपलिंग्स, और लगातार वहाँ उन पौधों को पानी देते थे, पूरे पौधों को वे पानी देते हुए, कवरिंग द होल स्ट्रेच ऑन फीट, वे पैदल ही पूरा पानी देते हुए, उन लोग पैदल चल के पानी देते हुए जाते थे, एंड रिटर्न होम डूइंग द सेम थिंग, रिटर्न मीन्स वापस, वापस आना, वापस अपने घर वही काम करते हुए आते थे। They treated the saplings as their own children। वे उन पौधों को अपने बच्चे के ऐसा व्यवहार करते थे जैसे वे उनके स्वयं के बच्चे हैं। And each day followed the same routine। और वे प्रतिदिन वही दिनचर्या अपनाते थे। Routine means R-O-U-T-I-N-E। Routine means दिनचर्या। They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs। वे उन छोटे पौधों को कटीले बाड़े में लगाकर चरने वाले पशुओं से भी बचाते थे। Fencing means बाड़ा, thorny means कटीला, and shrub, S-H-U-R-B, shrub means झाड़ियाँ, G-R-A-Z-E, graze, graze मतलब चरना होता है, okay? And protect means रक्षा करना, उसकी सुरक्षा करना। Their tireless efforts began to bear fruit when the saplings grew into large and strong trees। उनके जो tireless efforts है, means untiring efforts, अथक प्रयास, उनके जो अथक प्रयास से जब छोटे पौधे बड़े हो गए और वृक्ष के समान बड़े होकर और मजबूत हो गए, तब उसका फल उनको मिलना शुरू हुआ। Begin to bear fruit, यहाँ पे begin to bear fruits मतलब उनकी मेहनत जो रंग लाई, उन्हें मेहनत का फल मिला। किस रूप में? जो नन्हे पौधे उनका किस प्रकार से उन लोग देखभाल किए, डेली पानी डालना, रोज पानी डालना,
थ्रोनी शब्द से उनको फेंसिंग करना, ये सब करके देखभाल करके बहुत मेहनत से सालों से यही काम करके उन्होंने जो मेहनत की उसका फल उनको किस रूप में मिला, वो जो नन्हे पौधे थे अब वो विशाल वृक्ष का रूप ले लिए। ठीक है। द कपल प्लांटेड द सैपलिंग्स मोस्टली इन द मानसून सीजन सो दैट द प्लांट्स वुड गेट द रेन वाटर फॉर देयर ग्रोथ। दंपत्ति ने अधिकतर पौधों को बारिश के मौसम में ही लगाया ताकि पौधों को बढ़ने के लिए बारिश का पानी मिल सके। द कपल CUPLE कपल मतलब दंपत्ति, और उन्होंने मोस्टली मोस्टली MOSTLY मोस्टली मतलब अधिकतर, मानसून मानसून सीजन मीन्स बारिश का मौसम, रेन वाटर बारिश का जो पानी उन्हें मिल सके, फॉर देयर ग्रोथ GROWTH ग्रोथ मतलब बढ़ने के लिए। ओके। द कपल प्लांटेड मोर देन 300 ट्रीज इन टोटल एंड टुडे द एसेट वैल्यू ऑफ द ट्रीज स्टैंड्स एट मोर देन 1.5 मिलियन रुपीज। उन दंपत्ति ने जो कुल 300 पेड़ से भी ज्यादा पेड़ों को लगाया, और आज उन पेड़ों की जो संपत्ति है, उनकी जो वैल्यू है, वो 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा की है। एसेट वैल्यू ASSET, एसेट मीन्स होता है जो संपत्ति होती है उसे एसेट बोला जाता है। ओके। थिमक्का'स हस्बैंड पास्ड अवे इन 1991। थिमक्का का जो हस्बैंड है, उनके पति जो है, उनका देहांत हो गया। थिमक्का के पति पति की मृत्यु 1991 में हो गई। पास्ड अवे PASED पास्ड अवे मीन्स गुजर जाना। बट शी कंटिन्यूड विथ हर मिशन अलोन एंड अनडॉन्टेड। किंतु वे अकेले ही निर्भयता पूर्वक अकेले ही अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते गई। यहाँ पे अनडॉन्टेड UNDAUNTED अनडॉन्टेड मीन्स निर्भीक। ओके। निर्भयता पूर्वक। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज टेकन ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज नाउ। कर्नाटक सरकार ने अब उन पेड़ों की देखभाल करने की जवाबदारी अपने ऊपर ले ली है। थिमक्का वॉज रिफर्ड टू एज सालूमरदा थिमक्का आफ्टर हर वर्क गॉट पॉपुलर अमंग द पीपल। थिमक्का का कार्य जब लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगा तब उसे सालूमरदा थिमक्का कहा जाने लगा। यहाँ पे पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय, PUPULAR पॉपुलर मीन्स लोकप्रिय। सालूमरदा मीन्स अ रो ऑफ ट्रीज इन कन्नड़ लैंग्वेज। सालूमरदा का कन्नड़ भाषा में अर्थ होता है पेड़ों की पंक्ति। शी वॉज गिवन द नेम टू ऑनर हर डेडिकेशन टूवर्ड्स प्लांटिंग द सैपलिंग्स एंड प्रिजर्विंग द एनवायरमेंट डिस्पाइट द न्यूमरस हार्डशिप्स दैट शी हैड एंड हर हस्बैंड हैड टू फेस अलोंग द वे। उन्हें यह नाम उनके द्वारा पौधों को लगाना और उनका संरक्षण कर पर्यावरण को बचाने पर मिला था। उन्हें और उनके पति द्वारा अत्यधिक परेशानियों का सामना करने के बावजूद उन्होंने इस कार्य को किया। डिस्पाइट DESPITE डिस्पाइट मीन्स के बावजूद। हार्डशिप्स हार्ड HARDSHIPS हार्डशिप्स मीन्स उन्होंने जितनी परेशानियां जो हैं उन परेशानियों के यहाँ पर हार्डशिप्स बोला जा रहा है। न्यूमरस हार्डशिप्स मतलब अत्यधिक परेशानियां। क्लियर। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमक्का। थिमक्का के अन्य सामाजिक गतिविधियां। सालूमरदा थिमक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज। सालूमरदा थिमक्का ने सिर्फ पेड़ पौधों को ही लगाकर अपने कार्यों को समाप्त नहीं किया। शी गॉट इन्वॉल्व इन वेरियस सोशल एक्टिविटीज लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टैंक
to store rainwater for the annual fair of her village. वो उन्होंने अन्य सामाजिक क्रियाकलापों में भी, जैसे वर्षा के पानी को एकत्रित करने के लिए टंकी बनवाना, जो प्रतिवर्ष गांव के मेले के लिए होता था, annual fair means प्रतिवर्ष जो मेला हो लगता था, fair, F-A-I-R, fair means मेला, उसके लिए वो टैंक बनवाई, construction means बनवाना. Here involve, I-N-V-O-L-V-E-D, involve means सम्मिलित होना, V-A-R-I-O-U-S, various, various means विभिन्न प्रकार के, विभिन्न. Social activities, सामाजिक गतिविधियाँ. Okay. Now she has plans of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose. उन्होंने गांव में अस्पताल बनवाने के लिए भवन की योजना को भी बनाया. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक न्यास की स्थापना भी की. Trust, trust means न्यास या समूह. एक समूह का उन्होंने स्थापना की. Purpose, P-U-R-P-O-S-E, purpose means उद्देश्य. She is an active crusader for spreading the message of afforestation. वह जंगल लगाने के संदेश को बढ़ाने के लिए एक क्रियाशील कार्यकर्ता थी. Crusader, C-R-U-S-A-D-E-R, crusader means होता है कार्यकर्ता. Active, A-C-T-I-V, active means क्रियाशील. Afforestation, afforestation means जंगल लगाना. Her simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. उनके जीवन का एक सामान्य दर्शन यह है कि इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानवता हेतु कुछ संपत्ति छोड़कर जाना चाहिए. सिंपल फिलॉसफी, फिलॉसफी मतलब दर्शन. उनकी सिंपल, एकदम बिल्कुल सामान्य सा एक जीवन का एक सामान्य दर्शन ये था कि जो लोग हैं, पर्सन हैं, उनको इस दुनिया में जो लोग रहते हैं उन्हें अपने पीछे कुछ न कुछ एसेट मींस संपत्ति, A-S-S-E-T, एसेट मींस संपत्ति छोड़ के जाना चाहिए, फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, मानवता हेतु संपत्ति छोड़कर जाना चाहिए. ओके. शी स्टिल लिव्स इन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जस्ट मैनेजेस टू समहाउ मेक अ लिविंग फ्रॉम द वेरियस अवार्ड्स एंड अ मंथली पेंशन. वह अभी भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रही हैं और किसी तरह अपने विभिन्न पुरस्कारों और मासिक पेंशन से अपनी जीविका चला रही हैं. यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस, E-C-O-N-O-M-I-C, इकोनॉमिक क्राइसिस, C-R-I-S-I-S, क्राइसिस मीन्स परेशानी, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, आर्थिक परेशानियों से वो अभी भी क्या हो रहा है, जूझ रही है. शी मैनेजेस, ओके. और जो उनको मंथली पेंशन मिलता है, M-O-N-T-H-L-Y, मंथली मीन्स मासिक पेंशन, बट दिस हैज नेवर मैनेज्ड to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind. लेकिन इन परेशानियों ने उनके मानव जाति के लिए अच्छे कार्यों को करने के उत्साह और लालसा को नहीं मारा. Spirit, S-P-I-R-I-T, spirit means उसकी जो लालसा है, उत्साह है, उसको passion, उत्साह, लालसा, spirit means लालसा. Passion, P-A-S-S-I-O-N, passion means उत्साह. Doing good work, अच्छे कार्य करने के लिए, for humankind, humankind means मानव जाति. Awards and recognition for थिमक्का, थिमक्का के लिए पुरस्कार और पहचान. सालुमर्दा थिमक्का is the ideal of every environmentalist today. सालुमर्दा थिमक्का आज प्रत्येक पर्यावरणविद के लिए एक सम्मानित महिला है. IDOL, ideal means सम्मानित. She has shown the
word how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. उन्होंने विश्व को दिखा दिया कि एक अनपढ़ महिला अपने कठोर श्रम और धैर्य द्वारा समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है. इलिटरेट, ILLITERATE, इलिटरेट मीन्स अशिक्षित, अनपढ़. ह्यूज, HUGE, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा. डिफरेंस, DIFFERENCE, डिफरेंस मीन्स फर्क. पेशेंस, PATIENCE, patience means धैर्य. She has been honored with the titles like वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी एंड वृक्षश्री. उन्हें वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी और वृक्षश्री की उपाधि से सम्मानित किया गया. honored, HONORED, honored means सम्मानित. For her uncompromising, uncompromising means जो समझौते के लिए तैयार न हो. efforts, efforts means उनका जो प्रयास है. for her uncompromising efforts towards saving the environment, she has been conferred with several awards and citations including National Citizens Award 1995, honor certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka, Vishalakshi Award by Art of Living Organization and the Certificate of Appreciation from the Indian Institute of Ud Science and Technology, Bangalore. उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए असमझौते वाले प्रयास हेतु उन्हें विभिन्न पुरस्कारों और प्रशंसाओं के साथ राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार 1995 में दिया गया. महिला एवं बाल कल्याण विभाग कर्नाटक सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र दिया गया. आर्ट ऑफ लिविंग संगठन द्वारा विशालाक्षी पुरस्कार दिया गया और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ उच्च साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलोर द्वारा प्रशस्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. Here completes the explanation of this chapter. In the next video, you will get comprehension part and grammar portion of this chapter. Okay, thank you.